और जवाड़ किसी बुन ना इसी भी बिंदी लगा लेना तो लुगाई ये या किसके नाम की बिंदी लगावे, इसका तो आदमी मर रहा है या तो कितने बाहर सेटिंग कर रही होगी। मतलब सारे जितने सवाल है नहीं लुगाई है के ऊपर हैं। चलो मान है अभी आदमी चला गया, अपने दोरे एक रिश्ते की बात चल रही है, एक लेडीज है होगी 35-35 साल के समथिंग लेडीज है, दो बच्चे हैं उसके। राम राम जी सबने, आज एक जरूरी बात कर रही हूँ मैं आप सबके साथ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनियो। वह चीज़ आपके खातिर भी हो सका है, मेरी खातिर भी हो सका है, या किसी और खातिर भी हो सका है। मेरे दौरे एक कमेंट आ रहा था, करवा चौथ के त्यौहार पे मैंने हैप्पी करवा चौथ लिखा था सब तय, तो उस पर एक कमेंट आ रहा था एक लेडीज़ का। तो वह बता रही थी कि उसकी गर्दन ब्लॉक हो गई थी, गर्दन की नस है ना जो वो ब्लॉक हो गई थी, और उसके ना ऑपरेशन हुए हैं। पहला एक होया, फिर 2 महीने बाद एक होया, फिर उसके बाद 2 महीने बाद एक होया। उसकी वजह से उसका सारा शरीर पैरालाइज हो गया, आपा कहते अधरंग मार गया, इस तरह उसका शरीर हो रहा है ना। तो बेचारी कुछ काम कर पाती ना, वह बर्त रख पाती। तो वह नू सोच रही थी, रो रही थी, परेशान हो रही थी कि भाई मान ले काश मैं भी सही होती तो मैं भी बर्त रख पाती, मैं भी अच्छे कपड़े पहन पाती, मैं भी अपने पति के लिए बर्त रख पाती, खुश हो पाती जिस तरह वो सारी लेडीज हो रही है। मेहंदी लगवावे हैं, अपना मेकअप का सामान ले आवे हैं, बढ़िया बढ़िया सूट ले आवे हैं। तो वह सोच कर परेशान है कि मेरी ज़िंदगी कैसी है। तो सबके गले यो हाल है, करवा चौथ एक त्यौहार है आप सबने बेरा है, लेकिन यो त्यौहार सब खातर एक जैसा कोनी है। देखो किसी का आदमी गुजर रहा है तो वह घुट घुट के रोए है, किसी का अच्छा नहीं है, किसी का दारू पिल्ला है, लड़ाई करने वाला है, वह वैसे रख भी लेवा तो उसका गेलों भी कलेस होना है। और कई ऐसे हैं जो रख भी ले वैसे सही नहीं हो पाता। और दूसरी बात, जिस तरह अब कोई विधवा औरत है जो विधवा हो रही है, उनका आदमी चला गया, आदमी मर गया, कहीं तो एक करवा चौथ रख पाओ उसी टाइम उनके आदमी की डेथ हो जावे है, तो उनकी ज़िंदगी कैसी है। वो नया भी सूट पहन ले हुए हैं, वैसे नॉर्मल भी नया सूट पहन ले हैं, बेचारी मेकअप वेकअप तो चलो उनका उसी दिन ख़त्म हो जावे है, कोई वो सिंगार नहीं लगा सकती, कोई वो कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकती। और जवाड़ किसी भी ना इसी भी बिंदी लगा लेना तो लुगाई या किसके नाम की बिंदी लगावा, इसका तो आदमी मर रहा है या तो कितने बाहर सेटिंग कर रही होगी। मतलब सारे जितने सवाल है नहीं लुगाई है के ऊपर हैं। चलो मान है अभी आदमी चला गया, मारे कोई तो 20-21 की उम्र में शादी हो जाए किसी लेडीज की, किसी लड़की की, तो उसका केवरा 21 में शादी हुई, 22वीं में किसी कारणवश डेथ हो जाए आदमी की उसकी, और कई जने का जुकर साल भर बच्चा, साल भर में बच्चा हो जाए जुकर, ना तो अनून की रहती ना वह अनून की रहती, तो वह एक छोटी सी बिंदी भी नहीं लगा सकती। उसने एक हल्की सी बिंदी लगा ली, हल्की सी कोई लाइट कलर की लिपस्टिक लगा ली, कभी कदार तो उसका भी जी करता होगा कि इसका मतलब ये हो गया कि उसका आदमी चला गया बेचारी का, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ पड़ गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वह एक नया डार्क कलर का सूट भी नहीं पहन सकती। मतलब सबसे ज्यादा ये बात कौन करा है, लुगाई आदमी को नहीं कहते ये बात, आदमी आना तो इतना मतलब को नहीं होता है इन बात आता है, लेकिन लुगाई ये वह तो ऐसा सूट पहन रही थी, ये वह तो लुक लुक कर किसी तक फोन पर बात कर रही थी, के बरा अगली अपनी किसी फ्रेंड तक कर रही हो, अपनी माँ तक, अपने बाप तक, अपने भाई तक कर रही हो, अच्छा चलो ठीक है किसी और तक भी कर रही है, तो भाई थामना उसका ठेका हो रहा है। किसी तक तो इंसान अपने दुख सुख साझे करेगा, और हर इंसान गलत नहीं होता, चलना जे थारी बेबे अगला नू बन जावे फिर तुम के मतलब बोल लो उस बारे में, फिर थारी बेबे ने मैनू कहोगे पूरा दिन दौड़े माने में रहना, ना करते बाहर निकलना, ना कोई शौक अपना मनाना, ना कोई कुछ करना। लुगाई की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान लग गया है, जित लुगाई का नेचर ऐसा हुआ है 100 दुख सहन करके भी आगे तासदी रहे हैं, उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है उन्हें पता हुआ है उस बात का। तो कई कमेंट इतने अजीब अजीब आवे, मैंने खुद ने नू रोना आ जाकर मैं देखिए बेचारी गिल के बन रही है। कई बार तो कभी हम करवा चौथ राख नहीं पाते, और देखो कई बार हम 10-10, 20-20 हज़ार रुपये आम या ऊँ भी नॉर्मल लेडीज जिसका ठीक 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 सा भी होता है, मैं भी 10,000 रुपये 20,000 रुपये करवे पर आराम तो लगा दे हैं, 5 तो जमा आम लगा दें, छोटी छोटी चीज़ खरीदने में, अरे एक चीज़ नहीं खरीदा जो कर तो उस पर लग जाए 5-10 हज़ार रुपये, लेकिन किस कोई तो 2-2.5 हज़ार का सूट लेकर आवे हैं, और कोई जिस तरह मान ले 500 का भी सूट लेने का भी उतको नहीं, 200-200 के, 300-300 के सस्ते सस्ते जमानू नू सूट लेकर आवे हैं, छोटा छोटा मेकअप का सामान लेकर आवे, इतने गरीब हों बेचारे नू भी नहीं होंगे कि हम मिठाई भी ले आऊँगे, लेकिन करवा चौथ तो मैं भी रखे हैं। तो त्यौहार तो इसे होने चाहिए थे, सब सेम खर्चा करो, सब सेम वो करो, सबका सेम ब्यो तो होना चाहिए था, इब किसी के तो लाखों कमाइए, किसी की 10,000 भी कोनी,
फिर एक दूसरे ने नीचा दिखावा है। मैं तो यह बात मानूं कि अगर आपके पास पैसे भी हैं और आपके द्वारा गरीब कोई आ गया या तो उसकी हेल्प कर दूं, अगर आप हेल्प भी नहीं कर पा रहे तो उसको नीचा मत दिखाओ। भी देख मेरे दौर तो यो 10,000 का सूट है, तेरे दौर तो 500 का भी कोनी। ये बातें किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट करे हैं और ये बातें कद बोली जावा हैं जब कोई ना कोई इंसान दुखी देखा जावा है, क्योंकि लुगाई तो वही बात है वह भी हैं कि बरा उसका थर्त सुंदर भी हो जिसके दौर अच्छा कपड़ा पहनने ने भी कोनी। बहुत बार देखे ना कई बार सड़क पर कितने जावा मैं कुछ लेडीज मांग दी हूँ कितनी सुंदर हो मैं भी मैं देखा तो देख किस्मत देखो क्या जो भूडी भूडी सी हो कोई। मैं तो कह रहा जो मैं महिला पर राज कर रही हूँ और जो इतनी सुतरी हूँ सड़क पर बेचारी धक्के खाँदी अंडे हैं या किस्मत है ना या बहुत वो कर दे इंसान ने। तो जब यह बात कह रही हूँ कि करवा चौथ भी किसी खातर तो बहुत खुशी लेकर आवे है, बहुत हंसी लेकर आवे है, बहुत खर्चे भी करवावे है और किसी ने अंदर अंदर बढ़कर रोन पर मजबूर करते हैं। और इंस्टा पे भी कई वीडियोस देखे हैं, कई रील देखे हैं जो कोई थोड़ा बहुत तैयार हो ले बेचारी अच्छे कपड़े पहन ले हैं। चलो अगर आदमी की डेथ हुई है किसी कोई विधवा है तो उसका सिंदूर चला गया मान लो, बाकी तो थोड़ा बहुत वह कर सके है। लेकिन अगर इंस्टा पे वीडियो भी कोई नू बनावे है ना तो उनके ऊपर भी लोग गलत गलत कमेंट करें हैं, गंदे गंदे कमेंट करें हैं। तो किसके नाम की लिपस्टिक ला रही है, तेरा तो खसम मर गया, तेरा तो आदमी मर गया, तेरा तो यो हो गया वो हो गया, गंदी गंदी गालियाँ भी लिखे हैं। तो आपको हक नहीं पड़ता उस बात का कि आप किसी ने नू बोलो हक भाई तेरा तो आदमी मर गया, तेरा तो नू हो गया, तेरा तो नू हो गया। बहुत दुख लगा करा इन चीज़ें देखकर, पता नहीं मेरा दिमाग किसा है, मैंने नू किसी मैंने खुद ना तकलीफ हो के अगर मैं किसी ने जिता पाऊँ कह पाऊँ ना कह पाऊँ, लेकिन जब कोई दूसरे की कोई नू वीडियो देख लेना और कोई नू रो रहा हो परेशान हो रहा हो और हम वो खुशी मना रहे हो तो कितना नू दुख सा आया करा कभी देखिए हम तो खुशी मना रहे हैं और ये इसका क्या हालत है। तो बेबे का मैंने कमेंट देख कर ना बहुत ज़्यादा नू खुद ने नू रोना आया, वहाँ देखिए बेचारी व्रत भी नहीं रख पा रही, बेचारी तार भी नहीं हो पा रही, खुशी भी नहीं मना पा रही, इतना ज़्यादा मतलब नू दुख आया मैंने। फिर मैं जबी करके नया वीडियो में बनाने लग रही हूँ भैया, आप सब भी अपनी सेहत का ध्यान रखा करो और जो ये त्यौहार हैं ये खुशी के दिन हैं जो अच्छे से निकल रहे हैं इन्हें अच्छे से निकाल लिया करो, क्योंकि ज़िंदगी का टाइम का कुछ नहीं पता। और एक दूसरे का काम आना चाहिए, एक दूसरे का दुख समझना चाहिए, खाली गलत कमेंट करने तक कुछ नहीं होता। और जब लेडीज लेडीज की दुश्मन बन जाएंगी तो फिर आदमी कौन साथ देगा भाई, है ना। खाली एक न्यूनी भी या तो फलानी हम तो इसकी वीडियो देखे हैं उसकी फीलिंग समझो, या वीडियो के थ्रू भी नहीं कोई दूसरा आपके अड़ोस में पड़ोस में कोई दुखी है तो उसकी फीलिंग समझो, उसने नो मत करो, उसने दूना नीचा मत दिखाओ, एक दूसरे का कभी सुख दुख समझो। नो आ जाइयो मारे नहीं आया तो मैं इनके क्यों जाऊँ, ओ है ना, यू मेरे को नहीं बोलता तो मैं क्यों बोलूँ। हाँ चलो यह बात हाँ ठीक है, चलो एक हद तक कोई मारे गल वो करे, पर एक बार बोल पड़ो अगर दूसरा भी बार में नहीं बोल रहा गला तो एक अलग बात है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी एक दूसरे के साथी बनो, क्योंकि त्यौहार भी सबकी ज़िंदगी में नहीं आते, खुशियाँ भी सबकी ज़िंदगी में नहीं आती, तो समझना चाहिए। और ख़ासकर लेडीज़ को, जो भी मेरी बहन है मैं तो उन तेन कहूँगी मेरा भी और आपस में भी आप सभी एक दूसरे का साथ दिया करो। तो आज की वीडियो का उद्देश्य यही है बस, और तो कुछ खास था नहीं, सिर्फ यही उद्देश्य था कि किसी की फीलिंग समझो और त्यौहार सब खातर एक जैसे नहीं होंगे। तो मैंने एक और आपसे भी बात करनी थी, अपने दोरे एक रिश्ते की बात चल रही है, एक लेडीज़ है होगी 35-35 साल के समथिंग लेडीज़ है, दो बच्चे हैं उसके 13-14 साल की उम्र के बच्चे हैं, उसके आदमी की डेथ हो रही है, बहुत गरीब है मतलब लेडीज़ बेचारी और परेशान है अपनी लाइफ से, खर्चा पानी देने वाला कोई नहीं है। अगर कोई 35-45 उम्र का आदमी हो और इसके भी जो एज होनी चाहिए 35-45 या कोई जिस तरह फौजी हो जिस उसके वाइफ की डेथ हो रही हो, बच्चे हो, बच्चे चाहे थाने भी हो रहे हों या फिर कोई और नौकरी करता हो, जिस तरह वाइफ की डेथ हो रही हो या छोड़कर चली जा रही हो, डाइवोर्स हो रहा हो, इस तरह का बंदा चाहिए जिसका बहुत अच्छा हो, क्योंकि गरीबनी है बेचारी उसका भला हो जाएगा। अगर आप रियल में आपका ऐसा काम है तो आप अपना YouTube पे कमेंट में अपना नंबर छोड़ दियो, मैं खुद फ़ोन करूँगी बात करूँगी। लेकिन सच में ही अगर लिखना, ये नहीं कि खाम खाम जे लेने खातर नू करो भाई फ़ोन करेंगे नू करेंगे, नहीं। अगर आप सच में ये सोच लो कि आपकी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर आपके परिवार में इस तरह में कोई ऐसा है तो आप कमेंट में अपना नंबर ज़रूर डालना और मैं आपको फ़ोन करूँगी। अगर आपका रिश्ता समझ में आता है तो फिर आपकी शादी उसके साथ करवा देंगे। तो अगर इस तरह कोई और भी बहन दुखी है
और उसको अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा तो हमसे वीडियो बनवाना चाहती है, तो मैं वीडियो बना दूंगी। आप कमेंट में या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूजा खटकर नाम से मेरी आईडी है, वहाँ पे आप डीएम मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं भी कोई भी आपकी मजबूरी है, कोई भी बात है, अगर उससे रिलेटेड वीडियो बनानी है तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना कर डाल दिया करूँ, इसका मैं कोई भी चार्ज नहीं लेती। अगर किसी का भला हुआ है तो मैं ज़रूर करा करूँ, अगर उसमें मेरा योगदान 1% भी लगा है तो मैं ज़रूर करूँगी। तो इस तरह की बहन है कोई और शादी करना चाहे है तो बता दियो, क्योंकि किसी और का भी भला हो जाएगा और थारी भी अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी, पर रिश्ता जायजे करवाऊँगी ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइस ज़रूर कमेंट करियो और व्लॉग ने लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल सब्सक्राइब कर लियो। जल्दी जल्दी फिर 1 लाख होने के बाद आप सभी के साथ मिलना भी है, मेरी जो जो बहन मेरे से मिलना चाहे मैं सारी आते मिलूंगी। बस यही रिक्वेस्ट है, व्लॉग ने शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक करा करो, बढ़िया तो बढ़िया कमेंट करा करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अगले व्लॉग में, सबने राम राम।